गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अनदर लेक्चर ऑफ लॉगरिथम्स इन विच वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड अ लॉग वैल्यू ऑफ अ गिवन टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड हाउ वी कैन डराइव इट्स एंटी लॉग ऑल्सो. सो वाई टू यूज लॉगरिथम, वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. So basically it tells us the power of the base of किसी given number, like यहाँ पर this is 1000, तो इसका हमें log निकालना है to the base 10. It means हम ये पता करना चाह रहे हैं कि 1000 10 की कितनी पावर है, that is 3. दूसरा example देखिए, यहाँ पर है 1 lakh, तो to the base 10 इसका log लेना है आपको, log of 1 lakh. तो 10 to the power क्या है, ये 5 है, तो यहाँ पे 5 इज़ द आंसर. आप इसी से अगर यहाँ पे करें 10 to the power 5, सो दैट यू विल गेट 1 lakh. ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 की पावर 10 है, तो कोई नंबर है उसका आपने क्या क्या लॉग लिया, और जब उस लॉग का आप एंटी लॉग लेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा. ओके, नो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, तो किसी भी जब हम नंबर का लॉग निकालते हैं तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड अनदर इज़ द मेंटिसा. ओके, तो दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्टिकुलर नंबर, दैट इज़ अ नेचुरल नंबर. इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज़ नंबर ग्रेटर देन 1. अगर पॉजिटिव है तो 1 को लेस करेंगे आप पहले, 1 less than द डिजिट बिफोर द डेसिमल. डेसिमल लगाने से पहले पहले एक डिजिट आप माइनस करके लगाएंगे. अगर नंबर लेस देन 1 एंड नेगेटिव है, देन 1 more than द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. एग्जांपल देखिए, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है हमको, ठीक है. अब ये जो एग्जांपल है इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है. देखिए, ऐसे हमको क्या करना है, यहाँ पर ये हमको एक नंबर दिया है, इसका हमें लॉग लेने के लिए पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक बनाना है उसका, कैरेक्टरिस्टिक. ओके, ये देखिए ये नंबर है, दिस नंबर, इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है. ऐसे कैसे आया होगा 5, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये एक 6 digit नंबर है, इसमें से हमने माइनस, जिसके जो डिजिट्स हैं इसमें से हमने -1 किया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा दैट इज़ 5. ऐसे 4304 जो है 4 digits का है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल से पहले जो आपके इंटीग्रल पार्ट हैं उसमें यहाँ पर 2 digits हैं डेसिमल से पहले, तो 2 - 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही डिजिट है 1 - 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया. यहाँ पर 0.1 है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 - 1, तो -1 हो गया. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2. बेसिकली आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर है तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद से आप देखिए, तो एक तरह से 10 to the power -2 वाले फेज में चल रहा है, 0.04, तो -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया. यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 0 के बाद आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0.000403 04, एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज -4. अगेन द नेक्स्ट सम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -5 है. ओके, सो द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज यूजुअली रिटर्न एज 1 bar 1 bar 2 bar 3, जो भी आपका. बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव करके नहीं लिखते हैं, अगर कोई नेगेटिव साइन आ रहा है जैसे यहाँ पर आ रहा है तो उसको हम बार की फॉर्म में लिखते हैं. ओके, जैसे यहाँ पर आता है -4, तो उसको हम बार की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं. नाउ कम टू द मेंटिसा, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि डेसिमल में एक्सप्रेस होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी नंबर का, और उसे हम टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं. देखिए, यहाँ पर ये लॉग है, हमें लॉग फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर नंबर का.
ये जो आपको नंबर दिया गया है हमें इसका लॉग निकालना है। यहाँ पे हम पहले इस नंबर के डिजिट्स को काउंट करेंगे, दैट इज़ सिक्स। सिक्स में से वन माइनस करके इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, दैट इज़ फाइव। अब हमें इसका मेंटिसा निकालना है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टू डिजिट्स को कंसीडर करेंगे। जैसे हमने यहाँ 27 कंसीडर किया और उसका टेबल में 8 पर वैल्यू देखेंगे। देखिए 27, इसकी यहाँ से आप 8 पर वैल्यू देखिए, ठीक है। तो 8 पर जब हमने इसकी वैल्यू देखी तो 4440 ये वैल्यू आ रही है, 4440। अब यहाँ पर आगे एक नंबर है 6, ये हम डिफरेंस में से, मेन डिफरेंस में से 6 की भी वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए जब हमने यहाँ पे 6 की वैल्यू देखी तो दैट इज़ 9। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4440 वैल्यू आई है ये वाली, इसमें 9 को ऐड कर देंगे। ये 9 लास्ट में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4449, दैट इज़ अवर वैल्यू ऑफ मेंटिसा, 4449। डेसिमल के बाद हमें इस तरह से देना है। देखिए दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये है आपका, तो यहाँ पर भी आपका कैरेक्टरिस्टिक, तो क्योंकि 6 डिजिट है, 6 - 1 5 हो जाएगा लॉग निकालने के लिए। 27 का आपने क्या किया, इतने पे देखा आपने, 8 पर देखा पहले इतना आया, और फिर उसका आपने क्या करा, 6 पर मेन डिफरेंस देखा तो दैट इज़ 9। तो यहाँ पर भी सेम वही आपका आंसर रहेगा, जो आपका 2786 00 का लॉग है, दैट विल बी द सेम फॉर द दिस पर्टिकुलर डिजिट ऑल्सो। अब देखिए अगला वाला, देखिए इसका निकालना है आपको। तो वही आपने क्या पहले देखा कि 4 डिजिट्स हैं, तो 4 - 1 3, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी नंबर में उसमें से 1 माइनस करके आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे उसका, एंड देन फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेके उसका आप इंटरसेक्ट करते हुए लॉग पे वैल्यू देखेंगे, और जो लास्ट इसमें डिजिट है उसका मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है। ऐसे आपने 27 का देखा तो 2 - 1 1 आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे यहाँ पर देखिए 2.786 का देखा तो 0.449 इस तरह से आ रहा है। कैसे ये कैसे आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे 2 केवल एक ही डिजिट है, ओके। यहाँ पे 2 नहीं देखी हमने देखा केवल एक डिजिट है, तो हो गया यहाँ पे 1 - 1 0 पॉइंट। अब 27 का 8 पर देखना है आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 78 का 6 पर देखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। 27 का ही 8 पर देखना है आपको, तो 4440 आ जाएगा, और 6 का मीन डिफरेंस ऐड कर देना तो सेम वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसका देखना है, ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब तो आप पॉइंट में से वैल्यू शुरू हो गई है, तो इसको करने के लिए भी आप क्या करेंगे, 27 का 8 पर देख के और 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे। अब इसमें डेसिमल किस तरह से लगाने हैं ये आपको देखना है, कि इसमें यहाँ पर आप डेसिमल कैसे लगाएंगे। बच्चों यहाँ पर एक बार आएगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये देखिए, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है बार, ये यहाँ पर है, ये इस जगह लगा लीजिए आप। थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रही है वो इस पिक्चराइजेशन में, डिपिक्शन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये जो ये बार वैल्यू है, आपने क्या किया, 0 - 1 किया तो -1 कैरेक्टरिस्टिक आया, उसको आपने बार से डिनोट करना है, बाकी सब कुछ सेम है। 27 का 8 पर आपने लॉग लिया और 6 का मेन डिफरेंस ऐड कर दिया था। यहाँ आप लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 2 ज़ीरो हैं, तो आपने -1 एक और ऐड करा तो -3 हुआ, और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, बार लगा दिया। ये बार यहाँ पर इधर शिफ्ट हो गया, डिफिक्शन में गलत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और लॉग की वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 0 है, तो आपने एक और ऐड करा तो क्या हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, और 2 बार ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। पॉइंट आपने क्या किया, 1 - 5 पे वैल्यू देखेंगे आप, 1 तो नहीं होता है, 10 होता है, तो 10 का आपने क्या करा, 5 पर वैल्यू देखा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ
डाउट है कुछ वैल्यूज़ का, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.